सब्सक्राइब कीजिए डीके वेबटेक चैनल को और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूर्णिमा फ्रॉम डीके वेबटेक। आज हम फॉर्मूला टाइप सीखेंगे। फॉर्मूला टाइप पे हमारे कुछ रेडीमेड फॉर्मूले पड़े होते हैं, या तो हम कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए कोई फॉर्मूला इंसर्ट करा लें या फिर हम फॉर्मूला टाइप कर दें। तो फॉर्मूला टाइप पे हमारे फॉर्मूले पड़े हैं, जो भी हमें फॉर्मूले की ज़रूरत होगी हम यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। इसका सबसे फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट फंक्शन। देखिए, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे फॉर्मूले की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, फॉर्मूले हमारे पड़े हुए हैं, जो भी फॉर्मूला आप यहाँ से चाहें इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट हमारा एवरेज है, फिर वी लुकअप है, डेट है, लुकअप है, सम है। सम के लिए आप सम फंक्शन टाइप करते थे और यहाँ से आप चाहें तो डायरेक्ट इंसर्ट करा सकते हैं। हम सबसे फर्स्ट ऑप्शन एवरेज ही यूज़ करके देखते हैं। ये देखिए, एवरेज हमारा सेलेक्ट है, हमने ओके किया। अब देखिए, एवरेज के लिए नंबर बोल रहा है कि किस नंबर का एवरेज आपको निकालना है। हमने यहाँ पे 10 टाइप किया और दूसरा नंबर ये बोल रहा है आपको कौन सा चाहिए, हमने दूसरा भी 10 ले लिया। अभी देखिए, तीसरा नंबर यहाँ से कह रहा है कि आपको देना है। अगर हमें देना है तो ठीक है, वरना हम दो नंबर ही देकर यहाँ पे ओके कर देंगे। ये देखिए, दो नंबर हमने 10 10 दिए थे, 20 को इसने 2 से डिवाइड किया है तो हमारा एवरेज 10 आ गया है। अब देखिए, हमारे 10 अभी सिलेक्ट है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे शो कर रहा है इक्वल एवरेज 10, 10 और हमारा एवरेज आ गया है 10। हम दूसरा फंक्शन देख लेते हैं। हमने इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक किया, हम ये सम पे क्लिक करते हैं और ओके किया। अभी देखिए, नंबर बोल रहा है कि इस नंबर का आपको सम करना है। हमने यहाँ पे जैसे 5 डाल दिया और दूसरा नंबर हमने 7 डाल दिया और एक नंबर और ले लेते हैं हम 8। आप जितने चाहे यहाँ पे नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, आपका ये नंबर यहाँ से बढ़ते रहेंगे। हमने 3 नंबर ले लिए और हमने यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमारा एक बार 20 शो कर रहा है, हमने ओके किया। ये देखिए, हमारा 20 रिजल्ट आ गया। हम डायरेक्ट यहाँ से भी फंक्शन इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑटो सम। अगर मान लीजिए हमें इन नंबर को जोड़ना है तो हम इक्वल सम करके फॉर्मूला लगाएं या फिर सबको सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे हम ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए, टोटल हमारा 14,500 सबकी टोटलिंग इसने शो कर दी। और जब इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए, फार्मूला भी शो कर रहा है कि J4 से J9 तक की लिस्ट का इसने सम किया है। नेक्स्ट है हमारा रिसेंटली यूज्ड। जब रिसेंटली यूज्ड पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए, हमारी वो फंक्शन की लिस्ट देता है जो अभी हमने जल्दी में ही यूज़ किए हैं। जैसे हमने अभी सम किया है, उसके पहले एवरेज किया है, उसके पहले वी लुकअप, डेट, ये सारे फंक्शन अभी हमने यूज़ किए हैं। कुछ समय पहले जो यूज़ हुए होते हैं वो रिसेंटली यूज्ड में फंक्शन शो करता है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल फंक्शन। अच्छा, अभी तक हम फंक्शन यूज़ करते थे उसमें कोई डिफरेंस नहीं करते थे कि फाइनेंशियल है या लॉजिकल है। फाइनेंशियल पे क्लिक करेंगे तो देखिए, हमारे कुछ फंक्शन दे रहा है जो फाइनेंशियल हैं, उनके यहाँ पे लिस्ट है, जैसे इफ़ेक्ट है, ड्यूरेशन है, ये सारे हमारे फाइनेंशियल फंक्शन हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल फंक्शन। जैसे अभी तक हमने इफ मार्कशीट बनाने के लिए यूज़ किया था और फंक्शन यूज़ किया है, ये सारे हमारे लॉजिकल हैं। जैसे एंड, एंड फंक्शन हमारा काम करता है तब, जैसे कि हमने कोई भी चेकिंग कराई, जब दोनों ही कंडीशन सही होंगी तब इसका रिजल्ट ट्रू देगा। हम इसको यूज़ करके देख लेते हैं। हमने लॉजिकल पे क्लिक किया और एंड फंक्शन यहाँ से इंसर्ट करा लिया। अब देखिए, इस पे भी हमारा बॉक्स आ गया, डायरेक्ट हम इसमें वैल्यू दे रहे हैं। जैसे हमने इसमें वैल्यू दे दिया 1 + 1 = 2, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई जो कि ट्रू है। हम दूसरी कंडीशन दे रहे हैं 2 + 2 = हम यहाँ पे 5 कर देते हैं।
ये देखिए यहाँ पे सामने दे रहा है कि ये ट्रू है और सेकंड वाली वैल्यू हमारी फॉल्स है। अब हम दो को ही चेक कराते हैं, हमने ओके किया तो देखिए इसका रिजल्ट फॉल्स दे रहा है क्योंकि हमारी जो दूसरी कंडीशन है ये हमारी रॉन्ग है। अगर ये भी सही होती तो रिज़ल्ट ट्रू देता। अब मान लीजिए हम इसको यहीं से डायरेक्ट एडिट कर देते हैं, हम इसको यहाँ पे कर देते हैं 4। अभी हमारी कंडीशन सही है, हमने एंटर किया, अब देखिए इसका रिज़ल्ट ट्रू दे रहा है। हम इसी में यहाँ पे एक कंडीशन और बढ़ा देते हैं 3+3 इक्वल हम कर देते हैं 9। अब देखिए हमारी दो कंडीशन ट्रू हैं, ये लास्ट वाली हमने गलत कर दी है। हम एंटर करेंगे तो इसका रिज़ल्ट फॉल्स देगा। एंड फंक्शन हमारा अगर सभी कंडीशन ट्रू होंगी तभी ट्रू देगा, अगर एक भी कंडीशन हमारी गलत होगी तो इसका रिज़ल्ट ये फॉल्स दे देगा। ये है हमारा एंड फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन किसी भी टेक्स्ट पे हम अप्लाई करते हैं, जैसे कि अभी तक हमने लोअर फंक्शन यूज़ किया है, लेंथ फंक्शन यूज़ किया है, कैर फंक्शन। तो हम कोई भी अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने राहुल को सेलेक्ट किया, हम टेक्स्ट पे आए। अब इस पर कोई भी फंक्शन अप्लाई करें, जैसे हमने लेंथ फंक्शन यूज़ किया, अभी बोला कौन सा टेक्स्ट आपको चाहिए तो हमने इसको सेलेक्ट किया। ये देखिए एड्रेस यहाँ पे आ गया, हमने ओके किया। अब ये देखिए यहाँ पे 4 वापस कर रहा है रिज़ल्ट हमारा। ये 4 देखिए हमारे अमित में कितने कैरेक्टर हैं, 4 कैरेक्टर हैं, AMIT, वो 4 कैरेक्टर यहाँ पे हमारा वापस कर रहा है रिज़ल्ट में। ये है हमारा लेंथ फंक्शन, हम यहाँ से डायरेक्ट इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेट टाइम फंक्शन। अब जैसे हमें डेट टाइम इंसर्ट कराना है, हमने इस पर क्लिक किया और हमने डेट पे क्लिक किया। अभी देखिए हमारा पूछ रहा है कौन से ईयर आपको चाहिए, तो हमने जैसे 1990 डाल दिया। नेक्स्ट है हमारा मंथ, आपको कौन सा मंथ चाहिए, जैसे हमने फर्स्ट मंथ जनवरी का ही डाल दिया। और कौन सा डे चाहिए, हम इसमें भी फर्स्ट कर देते हैं और यहाँ से हमने ओके किया। अब ये देखिए 1/1/1990 हमारे यहाँ पे डेट शो कर रही है। हम यहाँ से डायरेक्ट डेट इंसर्ट करा सकते हैं कि हमें फंक्शन नहीं लगाना पड़ा, हमने इसे यहाँ से इंसर्ट करा लिया। ये है हमारा डेट टाइम फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन। जब इस पर देखिए हम क्लिक करेंगे तो कुछ फंक्शंस हमारे हैं जो हमें शो कर रहे हैं। हम इसका वी लुकअप फंक्शन देखते हैं, हम वी लुकअप पे क्लिक करेंगे। पहले हम कोई अपनी टेबल खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने इसे ओपन किया, ये हमने अपना सैलरी चार्ट ओपन किया है। अब इस पर हम लुकअप फंक्शन अप्लाई करते हैं। हम लुकअप फंक्शन या तो टाइप कर दें या तो इंसर्ट करें। हम इसको फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं, इक्वल वी लुकअप। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है लुकअप वैल्यू, आपको क्या सर्च करना है। लुकअप वैल्यू हमारी वो है जिसको हमें सर्च करना है, जैसे हमें पंकज का रिकॉर्ड सर्च करना है, हमने इसे सिलेक्ट किया और देखिए C12 हमारा यहाँ पे शो कर रहा है, हमने कॉमा लगाया। अब ये बोल रहा है टेबल एरे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा टेबल एरे ये दे रहा है कि आपकी टेबल कौन सी आपको सेलेक्ट करनी है। हमने अपनी पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली कि इसमें पंकज का रिकॉर्ड हमें दिखाना है। ये देखिए रेंज हमारी यहाँ पे आ गई, हमने यहाँ पे कॉमा लगाया। अब ये आपसे पूछ रहा कॉलम इंडेक्स नंबर कि कॉलम कौन सा आपको देखना है। पंकज का जो टैक्स है हमें ये देखना है कि पंकज कितना टैक्स पे करता है। तो अभी कॉलम नंबर हम काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये देखिए 10 नंबर पे है, हमने यहाँ पे 10 नंबर सेलेक्ट किया। नेक्स्ट है हमारी रेंज लुकअप। रेंज लुकअप हमारा ये है कि मतलब आपको यहाँ पे वैल्यू देनी है ट्रू और फॉल्स में। अगर आपका ये जो डेटा है शॉर्ट है तो आप ट्रू देंगे, अगर शॉर्ट नहीं है तो आप यहाँ पे फॉल्स देंगे। तो अभी तो हमारा ये जो रिकॉर्ड है ये देखिए शॉर्टिंग नहीं है, पहले आर से आ गया, फिर ए से है, फिर ए से, ऐसे कोई शॉर्टिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम इसको फॉल्स दे देंगे। और हमने यहाँ पे एंटर किया। अभी यहाँ पे कुछ हमारी मिस्टेक है, हम देख लेते हैं। वी लुकअप फंक्शन लगाया, C12 हमारा है, फिर हमारी ये रेंज है, ये जो हमारा 10 है इसको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4,
फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन। ये देखिए टेक्स हमारा यहाँ पे इलेवन नंबर पे है, जो कि हमने यहाँ पे टेन लिखा है, ये हमारी मिस्टेक है, इसलिए यहाँ पे हम इसको चेंज करके टेन की जगह इलेवन कर, यहाँ पे हम टेन की जगह इसको इलेवन कर देते हैं और ये हम फॉल्स रखते हैं क्योंकि शॉर्ट नहीं, हमने यहाँ पे एंटर किया। ये देखिए जो ये पंकज का जो हमारा टैक्स है यहाँ पे इसने शो कर दिया है 1680। ये देखिए 1680 पंकज का है। ऐसे हमारा क्या होता है कि टाइम बच जाता है, कोई बड़ा रिकॉर्ड हो हम जिसकी जो भी वैल्यू देखना चाहें हम वी लुकअप से यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं। ये है हमारा वी लुकअप फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा मैथ एंट्रिंग फंक्शन। अगर आपको मैथमेटिकल कोई वर्क करना है, जैसे एबीएस आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है जो कि हम फंक्शन में बता चुके हैं। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे फैक्ट फंक्शन देख लेते हैं। फैक्ट फंक्शन पे देखिए क्लिक कर रहे हैं, ये नंबर मांग रहा है आपको किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। फैक्ट हमारा फैक्टोरियल बताता है, हम यहाँ पे नंबर डाल रहे हैं, जैसे हमने फाइव टाइप किया, ये देखिए इसका रिजल्ट यहाँ पे 120 शो कर रहा है और हम यहाँ पे ओके करेंगे तो ये देखिए 120 हमारा रिजल्ट आ गया है। ये फैक्टोरियल हमारा ऐसे दिखाता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इसको पूरा 5 से 1 तक जाएगा और इसको पूरा सॉल्व करके 120 हमारा रिजल्ट आ गया। ये हमारा मैथ का फंक्शन है फैक्ट फंक्शन। यहाँ पे देखिए कुछ मोर फंक्शन है, जैसे स्टैटिस्टिकल हैं कि आपको एवरेज वगैरह सॉल्व करने हैं, यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखिए हर चीज़ को इन्होंने अलग कर लिया। इंजीनियरिंग फंक्शन यहाँ पे कुछ पहले से दे रखे हैं, क्यू फंक्शन है, इंफॉर्मेशन है और कंपैटिबिलिटी फंक्शन। यहाँ पे देखिए फंक्शन हमारे हैं, जो भी आपको ज़रूरत हो आप इसी टाइप से इसको इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफाइंड नेम्स। ये हमारा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यूज़ करने के लिए। हम अपने शीट पे वापस आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइंड नेम करते हैं, कोई भी एरिया हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने इतना एरिया सेलेक्ट किया, होम पर आए, हम इसको बॉर्डर में अप्लाई कर देते हैं क्योंकि जिसमें पता चले हमने कौन सा एरिया लिया था, हमने यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर दिया। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, चलिए एक जगह और हम पहले बॉर्डर लगा लेते हैं, हमने इतना एरिया ये सेलेक्ट किया, इस पर भी हम बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए हमने दो जगह सेलेक्ट करके दोनों को बॉर्डर किया कि हमको नेक्स्ट टाइम याद रहे कि हमने कौन सा सिलेक्शन लिया था। अब हमने इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मूला टैब पे आए और यहाँ पे डिफाइंड नेम्स देखिए हमारा ऑप्शन है फर्स्ट, हमने इस पर क्लिक किया। अब ये बोल रहा है कि आप इस एरिया का क्या नाम देना चाहते हैं। जैसे हमने इसका नाम दे दिया फर्स्ट और ओके कर दिया, और ये जो हमारा दूसरा एरिया है हम इसको सेलेक्ट करते हैं और डिफाइंड नेम्स पे जाते हैं और हम इसको कर देते हैं सेकेंड नाम से। और हमने यहाँ पे ओके किया। अब देखिए दो है हमारे, दोनों को हमने सेलेक्ट किया, दोनों का नाम दे दिया है। अब इस पे हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं, कोई भी नंबर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे तीन नंबर अभी इंसर्ट कराए, इस पे भी कुछ नंबर ऐड करा लेते हैं। अब सबसे पहले जैसे हमने इस एरिया को सेलेक्ट किया है, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल सम, हमने ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पे यूज़ इन फॉर्मूला, अब देखिए फर्स्ट हमारा है, फर्स्ट हमने इसका नाम दिया था, हमने फर्स्ट पे क्लिक किया, देखिए इसके अंदर फर्स्ट आ गया और हमने ब्रैकेट क्लोज़ किया और एंटर किया। अब देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे जैसे ही हमने सम लगाए इसका टोटल शो कर रहा है, हमें सेल नंबर भी नहीं देना पड़ा, बस जो हमने एरिया सेलेक्ट किया था उसी का नाम दिया। अब इस पर आप कोई भी नंबर जैसे और ऐड कर रहे हैं, ऑटोमेटिक आपका एडिशन यहाँ पर बढ़ता जाएगा। अब कहीं पर आप कोई भी नंबर ऐड करिए, ये आपका रिजल्ट देगा, ये देखिए 153 टोटलिंग आ गई। अब आपका ये नेक्स्ट है, दूसरा एरिया है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसको इक्वल सम हमने जैसे लगाते थे वैसे रखा। अब यूज़ इन फॉर्मूला पे हम फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट हमारा है, हमने फर्स्ट लिखा,
कॉमा लगाया। अब आपको दूसरा कौन सा नंबर लेना है, हमने सेकंड को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यहाँ पे हमने एंटर किया। अब देखिए जो ये है हमारा फर्स्ट एरिया और ये सेकंड एरिया, दोनों का जो एडिशन है यहाँ पे ये शो कर रहा है। अगर आप इस पर कोई चेंजमेंट कर रहे हैं, जैसे आपने कोई नंबर बढ़ा दिए, जैसे 5 हमने ऐड किया, देखिए एडिशन बढ़ गया, हमने 200 दिया, ये देखिए ऑटोमेटिक इसका एडिशन अपडेट होता रहेगा। ये तो हमारा यूज इन डिफाइंड नेम यूज इन फार्मूला हुआ। नेक्स्ट है हमारा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अगर हम कोई भी सिलेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे आए और इस पे आपको देना है कि टॉप से आपको ऐड करना है कि लेफ्ट से ऐड करना है। हम इसको टॉप से ओके करते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं और यहाँ पे डिफाइन नेम इसका कुछ नाम दे देते हैं। जैसे हम इसका नाम देते हैं 1 और हमने यहाँ पे ओके किया। फिर हमने पी वाले को सेलेक्ट किया, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे आए, इसको भी हमने टॉप रो किया और ओके किया। अब इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, डिफाइन नेम पे आए, इसका हमने दे दिया 2। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, हमने 2 दिया और ओके कर दिया। नेक्स्ट हम क्यू पे आए और इस पे फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई नंबर लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 10। हम क्यू पे आए, हमने फॉर्मूला लगाया इक्वल। अब यूज़ इन फॉर्मूला पे आए, देखिए हमने 1 से बनाया था, 1 को सेलेक्ट किया, बीच में प्लस का साइन लगाया और यूज़ इन फॉर्मूला पे क्लिक किया और हमने 2 को सेलेक्ट किया और हमने एंटर किया। अभी ये देखिए हमारे केवल 2 नंबर्स का ऐड दे रहा है। अब हम इसको केवल अपना रेंज बढ़ा रहे हैं कि जहाँ तक हमने यहाँ तक सेलेक्ट किया कि ऐड, अब कोई भी अपडेट हो हमारा ऐड करता जाए। अब देखिए हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, ये अपने आप ऐड कर रहे हैं। जैसे जैसे हम इंसर्ट करेंगे वैसे वैसे ये वैल्यू को अपडेट कराता रहेगा, कोई भी नंबर हम देंगे उसको ऐड करके देता रहेगा। ये है हमारा डिफाइंड नेम्स। अब यहाँ पे नेम मैनेजर में देखिए जितने भी हमने अभी तक ऐड किए हैं सब सेलेक्ट हैं। आप चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं, हमने फर्स्ट को सेलेक्ट किया है, एडिट पे क्लिक किया, देखिए फर्स्ट आ रहा है, हमने इसको फर्स्ट 1 कर दिया और ओके कर दिया, देखिए फर्स्ट 1 हो गया। कोई भी एडिटिंग आप नाम के साथ करना चाहें कर सकते हैं। आपको डिलीट करना है, हमने इसे सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, ये पूछ रहा है आपको डिलीट करना है, हमने ओके किया, यहाँ से हम सेलेक्ट करके सबको डिलीट कर देते हैं। ये देखिए जितने भी अभी तक हमने नेम रेडी किए थे सबको हमने डिलीट कर दिया, बाकी सबको सेलेक्ट करेंगे, होम पर हम जाएंगे और यहाँ पे हमने इसको नो बॉर्डर कर देंगे। ये देखिए अब जितना भी यहाँ पे टोटलिंग दे रहा था उसको ऐसे नेम में इंसर्ट कर देगा कि अभी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। वापस फॉर्मूला टैब पे आएंगे। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का हमारा सबसे फर्स्ट ऑप्शन है ट्रस्ट प्रेसिडेंट। ट्रस्ट प्रेसिडेंट है कि जैसे हमारी कोई भी वैल्यू आई है तो किसका कैलकुलेशन है, ये वैल्यू हमारी कहाँ से आई। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने ट्रस्ट प्रेसिडेंट पे क्लिक किया, अभी देखिए शो कर रहा है कि ये जितने भी नंबर हैं सबको ऐड करके हमारी ये वैल्यू आई है और ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे शो कर रहा है। ये 20 का यूज़ कहाँ पे हुआ है, हम ट्रस्ट डिपेंडेंट्स पे करेंगे। देखिए एरो शो कर रहा है कि यहाँ पे जो 200 है इसमें इसका यूज़ हुआ है। अब अगर हम रिमूव एरो पे क्लिक करेंगे तो जो भी एरो हमने अभी इंसर्ट कराए हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब अगर हम 200 को सेलेक्ट करेंगे कि ये 200 हमारा कैसे आया, हमने इसको सेलेक्ट किया, ट्रस्ट प्रेसिडेंट पे क्लिक किया, अभी दे रहे कि 20 और 10 दोनों का देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है
उसके बाद यहाँ पे हमारा 200 आया है। रिमूव एरो करेंगे, हमारे एरो यहाँ से हट जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा शो फार्मूला। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी फार्मूले यूज़ किए हैं वो देखिए यहाँ पे हमारी लिस्ट शो करे। जैसे यहाँ पे एवरेज यूज़ हुआ है, यहाँ पे डेट फंक्शन यूज़ हुआ है और बाकी जितने भी फंक्शन यहाँ पे यूज़ हुए हैं ये सबको यहाँ पे शो कर रहा है। अगर हम यहाँ से इसको हटा देंगे तो हमारी देखिए नॉर्मल सा जो डेटा है वो शो करेगा। नेक्स्ट है हमारा इवेल्युएट फार्मूला। अगर हमें अपने कोई भी फार्मूला इवेल्युएट करना है, जैसे हमने 200 को सेलेक्ट किया और इवेल्युएट पे हमने क्लिक किया, अभी देखिए यहाँ पे दे रहा है इक्वल प्रोडक्ट और ये M12 इंटू N12। अब हम इवेल्युएट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 20 शो कर रहा है कि यहाँ पे 20 है आपका पहले, और फिर ये मल्टीप्लाई का साइन है, फिर आपका 10 है, जिसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट आया है गुणा होकर आंसर आया है वो 200 आया है। ये देखिए हमारी, ये देखिए फिर इवेल्युएट फाइनल आंसर इसने 200 दे दिया है। अगर रिस्टार्ट करेंगे तो देखिए फिर से इसको इवेल्युएट करेगा कि यहाँ पे कोई भी फंक्शन है उसकी एक एक वैल्यू को देखने के लिए हम कैसे कौन सा आंसर आया है यहाँ से इवेल्युएट कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूले को। ये है हमारा इवेल्युएट फार्मूला। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वॉच विंडो। इसके लिए हम अपना रिकॉर्ड ओपन करते हैं। ये है हमारा वॉच विंडो। वॉच विंडो पे हम क्लिक करेंगे करते हैं अपनी, हम शीट 3 पे आए। अब देखिए वॉच विंडो पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारी एक विंडो ओपन हो गई। सबसे पहले इसके जो कुछ रिकॉर्ड हम डिलीट कर देते हैं। अब वॉच विंडो पे हम कुछ भी चाहें ऐड कर सकते हैं। हम सबसे पहले ऐड वॉच पे हमने क्लिक किया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारी टोटल सेल है वो हमें शो करे। हमने पूरा देखिए यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया और हमने इसको ऐड पे क्लिक किया, टोटल सेल यहाँ पे शो कर रहा है। अगर हम कुछ और भी ऐड करना चाहें, जैसे हमें राजेश का रिकॉर्ड देखना है, हमने ऐड वॉच पे क्लिक किया। अभी देखिए जो भी हम रिकॉर्ड देखना, हमें राजेश का देखना है, हमने इसे सेलेक्ट किया और ऐड पे क्लिक किया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा ये राजेश का सीपीयू है जो कि 10,000 में सेल हुआ है, इनका रिकॉर्ड शो कर रहा है। इसी तरीके हम जितने भी रिकॉर्ड चाहें वॉच विंडो पे ऐड कर सकते हैं। अब आप किसी भी शीट पे वर्क करें आपकी विंडो यहाँ पे शो करेगा, या आप एक्सेल की दूसरी बुक चाहें तो ओपन कर सकते हैं, तब भी देखिए आपकी वॉच विंडो जो भी आप ओपन करेंगे वॉच विंडो आपको शो करती रहेगी कि आपका रिकॉर्ड ये है। हम वापस अपने पेज पे आते हैं और शीट 3 पे थे। देखिए जहाँ भी हम वर्क कर रहे हैं सबके साथ ही वॉच विंडो हमारे यहाँ पे शो कर रहे हैं। अगर आपको रिकॉर्ड नहीं चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, डिलीट वॉच करते हैं। अगर उसकी हेल्प से कुछ और रेडी कर रहे हैं तो आपको ये हर जगह पे ओपन दिखेगी, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारी वॉच विंडो, हम इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑप्शन। कैलकुलेशन ऑप्शन पे देखिए हम क्लिक करते हैं तो इसका सबसे फर्स्ट ऑप्शन है ऑटोमेटिक। हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो इसका रिजल्ट ऑटोमेटिक आता है। अभी देखिए हमारा टोटल यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे हमने इस वैल्यू को चेंज किया, हमने 1,000 किया। अब देखिए इसकी जो टोटलिंग थी वो चेंज हो गई। अगर हम फिर से इस पर कुछ और चेंज करना चाहते हैं, हमने यहाँ पे 0 कर दिया, कोई वैल्यू नहीं रखी, तो देखिए इसकी टोटलिंग यहाँ पे चेंज हो रही है, ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। अगर हम कैलकुलेशन ऑप्शन पे जा करके इसको मैनुअल कर देंगे, अब देखिए आप यहाँ पे कोई भी चेंजमेंट करिए, हमने इस पर क्लिक किया, हमने यहाँ पे चेंजमेंट किया, अब देखिए अपडेट नहीं हो रहा है। आप कहीं पर भी जाइए और कोई भी चेंजमेंट करिए, ये देखिए अपडेट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसको यहाँ पे मैनुअल करके रखा है। अगर कैलकुलेट नाउ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए अपडेट हो जाएगी, ये हमारी अपडेट हो गई। वापस हम इसको ऑटोमेटिक कर देते हैं। अब इस पर देखिए हम कोई भी चेंजमेंट करेंगे तो ये हमारी देखिए ऑटोमेटिक अपडेट हो रही है। हमारे जो भी एक्सेल पे वर्क होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं। अगर हम मैनुअल कर देंगे तो हर बार हमें उसे अपडेट करना पड़ेगा। ये थे हमारे कैलकुलेशन ऑप्शन।
नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टाइप सीखेंगे, डेटा टाइप का यूज सीखेंगे, उसके ऑप्शन सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।